हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए, आज मैं आप लोगों को कहाँ लेकर के आ गई हूँ, ये देखिए मेरे पीछे कितनी बड़ी नदी है। और मैं कॉलेज से वापस आ रही हूँ अभी, और जैसा कि आप लोग जो है रोड की आवाज़ सुन पा रहे होंगे, क्योंकि ये देखिए ये पुल बना हुआ है पूरा। और मैं आप लोगों को बैक कैमरे से भी दिखाऊंगी, बट अभी आप लोग देख लीजिए, आवाज़ मेरी शायद क्लियर नहीं आ रही होगी, बट आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। और देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। और ये है भदभदा का पुल, भोपाल में जो पड़ता है, और इसको भदभदा के पुल के नाम से ही जानते हैं। यहाँ से पार्वती नदी जो है जाती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब वाहन आ जा रहे हैं, गाड़ियाँ वगैरह, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो आज मैं आप लोगों को यहीं घुमाने के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो है आप लोगों को अपना जो है रास्ता दिखाऊंगी कि कहाँ से मैं आती हूँ, किधर जाती हूँ। तो ये मेरे को रास्ते में ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि आज जल्दी फ्री होने के बाद कि आप लोगों को जो है यहाँ की लोकेशन दिखाई जाए। देखिए पीछे पहाड़ वगैरह हैं, और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ का, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और चलिए, आप लोगों का टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इधर देखिए मेरे पीछे इस साइड में भी पहाड़ वगैरह है, देखिए पहाड़ी है इधर भी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो में एंड तक, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए मैं आप लोगों को घुमाती हूँ यहाँ की कैसा लग रहा है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है ये पुल, और बहुत बड़ी नदी है, बहुत ही विशाल। और ये देखिए काफ़ी चौड़ी है ये नदी, आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे। और देखिए वो जो सामने जो पुल दिख रहा है ना, देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो जो सामने जो पुल दिख रहा है ना ओवरब्रिज के जैसे, वहाँ पर सैर सपाटा है, घूमने की जगह है एक, और यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं। तो वो जो पुल आप लोग देख रहे हैं ना, वो सैर सपाटा है वहाँ पर। मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो है पुल है सैर सपाटा का। यहाँ पर बच्चे पिकनिक मनाने के लिए, बड़े लोग घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है वो भी। और ये इस पुल से काफ़ी दूर है, देखिए ये इसकी रेलिंग लगी हुई है पुल की, और ये काफ़ी दूर है। और नदी देखिए कितनी प्यारी लग रही है, और कितनी अच्छे से देखिए इसकी लहरें कितनी प्यारी हैं। मैं आपको करीब से दिखाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि पानी है, मैं इसको कैमरे में कैद नहीं कर सकती। और ये देखिए कैसे बह रही है, देखिए कितना प्यारा लगता है ना यहाँ पर। और देखिए इधर भी देखिए, ये पहाड़ वगैरह दिखते हैं सामने से, और बहुत ही प्यारी जगह है। शाम के टाइम यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा भोपाल की ये नदी, ये पार्वती है जो यहाँ से जाती है। तो ये देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दिखाती हूँ, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये मस्जिद पड़ता है, मस्जिद है ये यहाँ पर। और अभी दोपहर का टाइम है इसलिए कोई नहीं है यहाँ पर, और मेरी कॉलेज से छुट्टी होने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को घुमा दिया जाए। तो ये देखिए ये रोड है, और देखिए भोपाल तो वैसे भी बहुत ही सुंदर जगह है। और देखिए उधर साइड में भी नदी है, तो ये देखिए साइड में है मंदिर, वहीं पर मंदिर बना हुआ है, वो जो झंडा दिख रहा था वहाँ पर। और ये ऊपर चिड़ियाघर के लिए लग जाता है, और यहाँ पर जूलॉजिकल पार्क भी है। कभी घूमने का मौका लगा तो मैं आप लोगों को पक्का घुमाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पर है
एक खुशी लाल करके आयुर्वेदिक कॉलेज, और इसी के उस तरफ में कोलार डैम पड़ता है, इस तरफ में केरवा डैम पड़ता है। जब जब मौका लगेगा मैं आप लोगों को पक्का घुमाऊंगी। और ये देखिए रोड पे भी कई तरीके के पौधे लगे हुए हैं जिनमें फूल लगे हुए हैं। भोपाल के रोड बहुत ही अच्छे शानदार हैं और काफ़ी सफाई है यहाँ पर। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर देखने में ही। और ये देखिए इधर तो इतनी ठंडी हवा आती है, और जब मतलब शाम का टाइम हो जाता है ना, अभी दोपहर का टाइम है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए ये रेलिंग लगी हुई है, और इसके बाद में जो है यहाँ पर ये फुटपाथ बना हुआ है इस तरीके का, ताकि लोग बैठें यहाँ पर, बैठ सकें आराम से, चलने वाले लोग निकल जाएँ। और मतलब मैं ये कहूँगी कि बहुत ही सुव्यवस्थित जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है ये, और देखने से ही आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इसी के साथ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और ये देखिए ये लाइटिंग लगी हुई है, ये शाम के टाइम में ग्रीन, रेड, ब्लू इस तरीके की जलती हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है नाइट में भी इस रोड पर। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की जो है लाइटिंग लगी हुई है। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया अच्छे तरीके से। और चलिए फ्लावर दिखाती हूँ मैं आपको किस तरीके के लगे हुए हैं। रोड इतनी ज़्यादा तेज़ चल रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़, तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए। दर्शन करा दिए हैं, और यहीं पास में मंदिर है, मतलब इसको तीर्थ स्थान के जैसे भी मानते हैं। तो ये बहुत ही चौड़ाई में है, और ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे काफ़ी दूर तक पानी हम लोगों को दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे शाम के टाइम इतना अच्छा लगता है ना, अभी भी इतनी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और इस टाइम में जब लोग अकेले आकर के यहाँ बैठ जाते हैं तो बहुत शांति का अनुभव होता है। तो आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से भोपाल के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप लोगों को देती रहूँगी, और आप लोगों को मेरा भोपाल घुमाती रहूँगी। अगर ज़िंदगी में कभी मौका लगे तो भोपाल ज़रूर आइएगा, ज़रूर देखिएगा। और ये झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वैसे तो, बट यहाँ की हर चीज़ मुझे प्यारी लगती है, और इसलिए नहीं कि मैं यहाँ रहने वाली हूँ। जो भी इंसान आता है भोपाल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्यार करता है, और हमेशा याद रखने लायक चीज़ें हैं यहाँ पर। इसी तरीके से मैं आप लोगों को घुमाती रहूँगी भोपाल। तो चलिए अभी मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं YouTube पर कि मतलब मेरा भी मन होता है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मैं दिखाऊँ और बताऊँ। तो इसी के साथ आप लोग मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो अभी चलते हैं, आप लोगों को मैंने सारा कुछ दिखा दिया यहाँ का जो जो सबसे अच्छा था देखने लायक। और ये जो नदी है ना देखने में इतनी प्यारी लग रही है, शायद मेरा कैमरा इतने अच्छे से धूप में जो है इसको कैद नहीं कर पा रहा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ों को कैमरे में कैद करना बहुत मुश्किल है, बट जितना हो सका मैंने उतना आप लोगों को बताया। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मेरे इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दीजिए कि भोपाल आने वाले हर लोग, हर कोई इसको देखे। तो यही उम्मीद के साथ मैं अभी अपनी वीडियो का करती हूँ एंड, और क्योंकि घर भी जाना है, बच्चे भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।